I've fallen in love with I love. I love you. They'll say, wow. आचार्य कुछ कहने को उठे हैं। हस्तिनापुर निवासियों, आज जो मैं कह रहा हूं वो केवल इसलिए नहीं कि कुंती पुत्र अर्जुन मेरा सबसे प्रिय शिष्य है, मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है कि आज अर्जुन जैसा श्रेष्ठ धनुधर और कोई नहीं है। अरे आचार्य, है परीक्षा लिए बिना किसी को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कह देना आपको शोभा नहीं देता। अर्जुन के सभी गुणों में से केवल एक गुण मेरे पास नहीं, और वो गुण यह है कि मैं आपका शिष्य नहीं हूं। यदि मैं आपका शिष्य रहा होता तो आप अब तक मेरा अंगूठा भी कटवा चुके होते। उस अंगूठे में मुझे हस्तिनापुर की ओर चलने वाले वाणों के अंकुर दिखाई दे रहे थे धनुर्धर, तब तो मेरा अंगूठा बच गया, क्योंकि हस्तिनापुर तो मेरे लिए आदरणीय है और सदैव आदरणीय रहेगा। मैं हस्तिनापुर, हस्तिनापुर नरेश, पितामह भीष्म, कुलगुरु कृपाचार्य और आपको प्रणाम करता हूं। इस माला से तो परशुराम जी की सुगंध आ रही, ऐसा धनुर्धर कौन हो सकता है विदुर? यदि प्रतियोगिता निश्चित हुई महाराज तो कुलगुरु कृपाचार्य स्वयं उनसे प्रश्न करेंगे। किस सोच में पड़ गए आचार्य? क्या आप अपने प्रिय शिष्य को इस योग्य नहीं समझते कि वो मेरा सामना कर सके? ये देखिए, मेरे पास धनुष भी है और तुनीर में वाण भी, और मैं इस भरी रंग भूमि में आपके शिष्य अर्जुन को ललकार रहा हूं। इस प्रतियोगिता के पश्चात स्वयं हस्तिनापुर यह निर्णय लेगा कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन है। यदि आज्ञा हो तो मैं अपने बाणों से इस अभिमानी के होंठों को सीधो गुरुदेव। अर्जुन, क्षमा चाहता हूं कुलगुरु। आगे आओ धनुर्धर, ये कुरुकुल के राजकुमारों की रंगभूमि है धनुर्धर। कुरुकुल के गुरुदेव, रंगभूमि सार्वजनिक है और मैं इस रंगभूमि में सार्वजनिक घोषणा करता हूं कि या तो मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित किया जाए या फिर कुरुकुल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मेरे साथ द्वंद युद्ध करके ये सिद्ध करे कि वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाने के योग्य है। धनुर्धर, जिस धनुर्धर को तुमने ललकारा है पहले मैं उससे तुम्हारा परिचय करवा दूं। ये चंद्रवंशी राजकुमार अर्जुन है जो महाराज पांडु का पुत्र है, महारानी कुंती जिसकी माता है और आचार्य द्रोण जिसके गुरु। अब तुम बताओ धनुर्धर, तुम्हारा परिचय क्या है? जाने जो बोले नहीं, जो बोले अनजान, कर्ण स्वयं कैसे कहे क्या उसकी पहचान, क्या उसकी पहचान। धनुर्धारी, लगता है तुमने मेरा प्रश्न सुना नहीं। मैंने अभी अभी अर्जुन का परिचय देकर तुमसे पूछा था कि तुम्हारा परिचय क्या है, तुम किस वंश के हो। मेरा धनुष मेरा परिचय है और वाण मेरी पहचान है। इतने परिचय से रणभूमि में तो काम चल सकता है धनुर्धर, परंतु रंगभूमि में नहीं। यदि तुम क्षत्रिय राजकुमार नहीं हो तो इस रंगभूमि में अर्जुन को नहीं ललकार सकते, इसलिए या तो अपना परिचय दो या फिर शांत हो जाओ। यह आप क्या कह रहे हैं कुलगुरु?
सूर्य स्वयं अपनी पहचान है, चंद्रमा स्वयं अपना परिचय है। क्या कोई हिरणी सिंह को जन्म दे सकती है? यह निसंदेह क्षत्रिय है और इसे किसी वीर माता ने ही जन्म दिया है। ये मैंने कब कहा कि यह क्षत्रिय नहीं है, लेकिन नियम फिर भी नियम होते हैं। द्वंद युद्ध के लिए किसी राजकुमार को राजकुमार या फिर राजा ही ललकार सकता है। और कोई अपने माता पिता का परिचय देने से घबराए ही क्यों? धनुर्धर, मैं तुमसे तुम्हारे माता पिता का नाम नहीं पूछूंगा। मैं तुमसे यह भी नहीं पूछूंगा कि तुम किसके वंशज हो। मेरे लिए तुम्हारा इतना परिचय ही बहुत है कि तुम केवल वीर ही नहीं महावीर हो, और तुम्हें किसी और परिचय की आवश्यकता भी नहीं है। परंतु यदि कुल गुरु ये कह रहे हैं कि नियम के अनुसार अर्जुन को ललकारने का अधिकार तुम्हें तभी प्राप्त हो सकता है जब तुम ये सिद्ध कर दो कि तुम राजा हो या राजकुमार, तो यही सही? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कुलगुरु कि कभी वो दिन भी आ सकता है जब हस्तिनापुर अपने आंगन में खड़े हुए किसी महावीर के लिए आंखें बिछाने की जगह उसका अपमान करेगा। परंतु आज का दिन वही दिन है और मैं ये कभी सहन नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता कुलगुरु कि ये धनुर्धर कौन है, पर मैं इतना अवश्य जानता हूं कि ये वीर पुत्र है। और आप सबके संतोष के लिए आज मैं अपने उन अधिकारों का प्रयोग करूंगा जो मुझे मेरे पूज्य पिता श्री से मिले हुए हैं और पितामह जिनके साक्षी हैं। तुम्हारा नाम क्या है धनुर्धर? मेरा नाम कर्ण है। अंग देश का राज्य मेरे अधिकार में है कुलगुरु, और मैं आज अपने मित्र कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूं। अंग राज करण की जय। मित्र दुर्योधन, तुम्हारे इस अनुग्रह का ऋण तो मैं अपने प्राणों से भी नहीं चुका सकता। आज से मेरा जीवन तुम्हारे लिए, मेरी निष्ठा तुम्हारे लिए, और मेरी मृत्यु भी तुम्हारे लिए होगी। मेरे मित्र करण के राज्याभिषेक का आयोजन किया जाए कुलगुरु।